Hello, this is your Roshan sir, and today we'll talk about the macroeconomics chapter 4, and today's topic is expenditure method. Okay, it is the last method to calculate the national income. Okay, let's go on the topic. It's a today's topics expenditure method. Okay, according to this method, the national income is estimated in the terms of expenditure on the purchase of final goods and services produced in the economy during an accounting year. Yani ek accounting year ke तहत किसी कंट्री के अंदर, ठीक है, जो प्रोडक्शन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, तो उसके परचेज के लिए जो भी एक्सपेंडिचर होता है, यानी खर्च होता है, उसके थ्रू यहाँ पे क्या निकाला जाता है, नेशनल इनकम निकाला जाता है। ठीक है, यानी जो भी हम वस्तुओं पे खर्च करते हैं, उपभोग वाली वस्तुओं पे, जैसे मान लो बिस्किट्स हो गया, तो बिस्किट को परचेज करना है, मान लो 10 रुपीज़ का बिस्किट है, तो 10 रुपीज़ का बिस्किट परचेज़ किए तो कितना खर्च किए, 10 रुपीज़। ठीक है, तो वो 10 रुपीज़ होगा वो यहाँ पे इंक्लूड होगा नेशनल इनकम में, ऐड होगा। क्लियर, यानी जो भी हम खर्च करते हैं। ठीक है, अब यहाँ के बात केवल गुड्स की ही नहीं है, सर्विसेज की भी है। कोई अगर सर्विसेज यूज़ करें किसी भी चीज़ का, तो उस पर भी जो हम खर्च करेंगे वो भी इंक्लूड होगा। आगे देखो क्या कह रहा है। सिंस फाइनल एक्सपेंडिचर कंप्राइजेस सी, दैट मीन्स कंजम्पशन, एंड आई यानी इन्वेस्टमेंट, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड और इनकम डिस्पोजल मेथड। यानी एक्सपेंडिचर मेथड को हम और किस नाम से जानते हैं, इन्वेस्टमेंट मेथड से, यानी कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट मेथड, या फिर इनकम डिस्पोजल मेथड। इसका टोटल 3 नाम है। ठीक है, यहाँ पे देख लो, फाइनल एक्सपेंडिचर कंप्राइजेस के माध्यम से बता रहा है कि जो फाइनल एक्सपेंडिचर होता है वो क्या होता है, सी एंड आई होता है। यानी फाइनल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सी एंड आई, यानी सी फॉर कंजम्पशन एंड आई फॉर इन्वेस्टमेंट। कंजम्पशन किसी यूज वाले प्रोडक्ट के ऊपर जो हम खर्च करते हैं, ठीक है, कंजम्पशन के लिए जो खर्च करते हैं वो, और आई यानी इन्वेस्टमेंट, कहीं हम इन्वेस्ट करते हैं। आगे देखो क्या कह रहा है। एस्टिमेशन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन द फाइनल गुड्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इज इक्वल टू द मार्केट वैल्यू ऑफ GDP, कॉल्ड GDP एट मार्केट प्राइस। यहाँ पे क्लियर लिख रहा है कि जो एस्टिमेशन होता है एक्सपेंडिचर का, वो क्या होता है, ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री विद इन द डोमेस्टिक कंट्री ऑफ अ कंट्री इज इक्वल टू द मार्केट वैल्यू ऑफ द GDP एंड कॉल्ड GDP एट मार्केट प्राइस। यानी जो एक्सपेंडिचर होता है वो इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, GDP एट मार्केट प्राइस के। ठीक है, आगे इट इज़ एडजस्टेड टू फाइंड NNPFC और नेशनल इनकम। यानी ये एडजस्ट किया जाता है फाइंड करने में, इंक्लूड किया जाता है क्या फाइंड करने में, तो NNP नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट या नेशनल इनकम। ठीक है, इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर। फाइनल एक्सपेंडिचर एज एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। यानी जो भी फाइनल एक्सपेंडिचर होता है जो किसी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर एक अकाउंटिंग ईयर के तहत परचेज किया जाता है, ठीक है, परचेज करने के लिए खर्च किया जाता है, तो उसको 4 कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है। तो 4 कैटेगरीज कौन कौन सा है, पहला है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दूसरा है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तीसरा है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और चौथा है नेट एक्सपोर्ट्स यानी X-M। डिटेल्स एज अंडर, डिटेल्स यहाँ पे नीचे दिया है सबके बारे में अलग अलग। अब सबसे पहले आता है फाइनल प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है, देख लो। इट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय द इंडिविजुअल हाउस होल्ड एंड नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सर्विंग सोसाइटी लाइक हेल्प इज। इट इंक्लूड्स कंज्यूमर सर्विसेज, कंज्यूमर एंड ड्यूरेबल गुड्स, दैट इज गुड्स विच आर नॉट रिपीटेडली यूज लाइक बटर और मिल्क, और कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स विच आर रिपीटेडली यूज फॉर सेवरल ईयर्स लाइक फर्नीचर वॉशिंग मशीन। यानी कह रहा है कि जो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है वो एक तरह से कैसा एक्सपेंडिचर होता है कि फाइनल गुड्स और सर्विसेज पे किसी इंडिविजुअल हाउस होल्ड के द्वारा, यानी किसी एक व्यक्ति द्वारा जो खर्च किया जाता है, ठीक है, या फिर किसी नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के द्वारा जो खर्च किया जाता है, ठीक है, सोसाइटी के लिए, वही जो खर्च होता है वही प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, इसमें क्या क्या इंक्लूड रहता है, तो कंज्यूमर सर्विसेज रहता है, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल गुड्स रहता है। अब कंज्यूमर सर्विसेज में क्या हो सकता है, किसी का हम अगर सर्विसेज का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जैसे डॉक्टर हो गया तो वो उसमें इंक्लूड होगा। कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल गुड्स हो गया, नॉन ड्यूरेबल गुड्स क्या होता है, जैसे मिल्क हो गया, बटर हो गया, जिसका हम वन टाइम यूज़ करते हैं, ठीक है,
इसके बाद आता है कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स, जैसे टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, ठीक है, वॉशिंग मशीन हो गया, कोई भी मशीन हो गया, बाइक हो गया, जिसका हम बहुत सालों तक यूज़ करते हैं, तो वो ड्यूरेबल गुड्स में आता है। तो ये सब इसमें इंक्लूड रहता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में। क्लियर। इसके बाद इसका सेकंड टाइप आता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में क्या होता है, इट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट, लाइक एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ गुड्स फॉर कंजम्पशन बाय द डिफेंस पर्सनल। यानी ऐसा एक्सपेंडिचर, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से किया जाता है, किस चीज़ के लिए, परचेज के लिए, और क्या परचेज करने के लिए, तो गुड्स फॉर कंजम्पशन बाय द डिफेंस पर्सनल, यानी जो डिफेंस है, डिफेंस किसको बोल सकते हैं, यानी डिफेंस यहाँ कहने का मतलब है हमारी जो सेना है, ठीक है, तो सेना के कंजम्पशन के लिए जो गुड्स खरीदने के लिए परचेज किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, तो उस पर जो खर्च होता है वो यहाँ गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के तहत होता है, तो इसको भी उसमें इंक्लूड किया जाता है। आगे देखो नेक्स्ट पेज। इसके बाद आता है तुम्हारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। थर्ड है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इट रिफर्स टू एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ फाइनल गुड्स बाय द प्रोड्यूसर्स। यानी इसका मतलब क्या होता है, ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जो कि फाइनल गुड्स परचेज के लिए खर्च किया जाता है, किसके द्वारा, प्रोड्यूसर्स के द्वारा। दिस गुड्स आर टू बी फर्दर यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। प्रोड्यूसर यानी जो प्रोड्यूसिंग का काम करते हैं, प्रोडक्शन का काम करते हैं, ठीक है, तो वो जब खर्च करते हैं कोई फाइनल गुड्स परचेज करने के लिए, जैसे मान लो मशीनरी हो गया, ठीक है, तो वो एक तरह से इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, ठीक है। एग्जाम्पल एक्सपेंडिचर बाई द फार्मर्स ऑन द परचेज ऑफ ट्रैक्टर्स। जैसे कोई फार्मर है, किसान है, तो वो अपने फार्मिंग के लिए क्या खरीदता है, ट्रैक्टर खरीदता है, तो जो ट्रैक्टर खरीदा तो वो वहाँ पे एक्सपेंडिचर उसका हो गया, तो एक तरह से इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हुआ, यानी वो इन्वेस्ट किया है अपने फार्मिंग के लिए, ठीक है, क्योंकि उसका वो यूज़ करेगा अपने फार्मिंग में। आगे देखो, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज फर्दर क्लासिफाइड एज अंडर। अब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी दो तरह का होता है, कौन कौन, तो पहला फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, दूसरा होता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स रेफर्स टू एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर्स ऑन द परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स लाइक प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। यानी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब ऐसे खर्च से है जिसमें कि जो प्रोड्यूसर होते हैं वो परचेज करते हैं फिक्स्ड एसेट्स, जैसे प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, कोई मशीनरी खरीदा तो वो एक तरह से फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हो गया, क्योंकि वो मशीनरी खरीदेगा तो बार बार इधर उधर थोड़ी करेगा, ले जाकर अपने फर्म में लगा लेगा, फैक्ट्री में लगा लेगा, ठीक है, इसलिए उसको फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। आगे देखो, इकोनॉमिक्स ऑफ्टन क्लासिफाइड फिक्स्ड इन्वेस्ट। अब फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे क्लासिफाई किया गया है, कैसे, तो यहाँ पे बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हो गया है, फिर दूसरा है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बाय द हाउस होल्ड इन द टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज, और थर्ड पब्लिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट। यानी यहाँ पे जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होता है वो भी थ्री टाइप्स का होता है। तो पहला बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होता है, दूसरा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बाई हाउस होल्ड इन द टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, और थर्ड पब्लिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बाई द गवर्नमेंट, लाइक एक्सपेंडिचर बाई द गवर्नमेंट ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, डैम्स, ब्रिजेस। यानी जो पब्लिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो क्या हो सकता है, जैसे रोड्स वगैरह बनवाने के लिए, डैम्स वगैरह, ब्रिज वगैरह बनवाने के लिए, तो ये जब जो खर्च होता है वो यहाँ पे पब्लिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के तहत होता है, ठीक है, और कोई हाउस होल्ड वालों के थ्रू फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं तो अपने घर बनवाने के लिए, ठीक है। बिजनेस में भी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होता है, कोई बिजनेस स्टार्ट किया जाए तो वहाँ पे भी मोटी रकम लगती है, इन्वेस्टमेंट होता है, तो वो बिजनेस फर्म बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कहलाता है। तो ये तो वह फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। आगे देखो, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इट रिफर्स टू चेंज इन स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर। यानी इसमें क्या होता है, जो स्टॉक होता है एक साल के अंदर या एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर, वो क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है। एज नोटेड अर्लियर, इट इज़ एस्टिमेटेड एज डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द ईयर एंड द ओपनिंग स्टॉक ऑफ द ईयर। यानी इसमें क्या डिफरेंस होता है, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का डिफरेंस होता है, ठीक है, जो डिफरेंस होता है वही इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कहलाता है। सपोज दैट मान लो ईयर के स्टार्टिंग में ओपनिंग स्टॉक था 50,000, ठीक है, और ईयर के एंड में जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है वो हो गया 1 लाख, तो इसमें कितना इंक्रीज हुआ, 50,000 इंक्रीज हुआ ना, तो 50,000 जो हुआ ये हमारा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कहलाएगा उस अकाउंटिंग ईयर के तहत या उस ईयर के तहत, ठीक है। अब इसके बाद आता है नेट एक्सपोर्ट्स।
ठीक है, एक्स माइनस एम। एक्स माइनस एम क्या है देखो आगे पता चलेगा। नेट एक्सपोर्ट्स रेफर टू द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। जो नेट एक्सपोर्ट्स होता है वो एक तरह से डिफरेंस होता है किस चीज़ का, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट्स का। ये एक्सपोर्ट ये इम्पोर्ट, ठीक है, कितना एक्सपोर्ट किया कितना इम्पोर्ट किया, तो उसके बीच का डिफरेंस। एक्सपोर्ट यानी इंडिया से जब बाहर स्टॉक भेजा जाता है यानी बेचा जाता है दूसरे कंट्री को, दो होता है एक्सपोर्ट, और दूसरे कंट्री से जब प्रोडक्ट खरीदा जाता है, इंडिया दूसरे कंट्री से जब प्रोडक्ट खरीदती है तो उसको बोलते हैं इम्पोर्ट यानी मंगाना, ठीक है। तो इसी के बीच का जो डिफरेंस होता है वो कहलाता है नेट एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स आर एन एक्सपेंडिचर बाई द फॉरेनर्स ऑन द डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, वाइल इम्पोर्ट्स आर एन एक्सपेंडिचर ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड एब्रॉड। वाइल एक्सपेंडिचर ऑन द डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज इज एडेड टू द टोटल एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, एक्सपेंडिचर ऑन इम्पोर्ट्स इज डिडक्टेड। तो वही चीज़ जो मैंने अभी बताया, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का मतलब मैं अभी बता रहा, फिर उसके बाद से कह रहा है कि जो एक्सपेंडिचर होता है डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स पे या सर्विसेज पे वो ऐड होता है टोटल एक्सपेंडिचर में इकोनॉमी के, ठीक है, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एक्सपेंडिचर ऑन इम्पोर्ट्स इज डिडक्टेड, लेकिन जो इम्पोर्ट्स होता है उस पर जो एक्सपेंडिचर होता है, खर्च होता है, वो डिडक्ट कर लिया जाता है, घटा लिया जाता है, और जो यहाँ पे प्रोड्यूस होता है उसको ऐड कर लिया जाता है, ठीक है। दिस एडजस्टमेंट इज एसेंशियल फॉर अ प्राइसेस एस्टिमेशन ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन द डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड इन गुड्स एंड सर्विसेज। यानी ये जो एडजस्टमेंट होता है बहुत ज़रूरी होता है प्राइस एस्टिमेशन के लिए, ठीक है। किस चीज़ के एस्टिमेशन के लिए? प्राइस एस्टिमेशन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन द डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज, जो यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, तो उस पर जो खर्च हुआ उसके प्राइस एस्टिमेशन के लिए बहुत ही ये ज़रूरी एक एडजस्टमेंट है नेट एक्सपोर्ट्स वाला। आगे देखो क्या कह रहा है, सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन द डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड GDP एट मार्केट प्राइस। यानी जो सम होता है टोटल एक्सपेंडिचर का, कौन सा एक्सपेंडिचर का, तो जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस किया यानी इंडिया के अंदर एक अकाउंटिंग ईयर के तहत प्रोड्यूस होता है, ठीक है, यानी प्रोडक्शन होता है, तो उस पर जो खर्च होता है उस खर्च के टोटल को, सम को हम क्या कहते हैं, GDP एट MP यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। क्लियर। देखो यहाँ पे आगे एक फार्मूला के तहत भी शो किया है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर प्लस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस इन्वेस्टमेंट ऑन रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन बाय हाउसहोल्ड प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। ये सबको जब प्लस करते हैं तो क्या निकलता है हमारा, GDP एट मार्केट प्राइस यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। क्लियर। सबको ऐड करके हम GDP एट MP निकालते हैं। नोट में देखो क्या कह रहा है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन एज इन्वेस्टमेंट इम्प्लाइज कैपिटल फॉर्मेशन और एडिंग द स्टॉक ऑफ कैपिटल। यानी हम इसको और किस नाम से जानते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन के नाम से भी जानते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, या फिर इन्वेस्टमेंट इम्प्लाइज कैपिटल फॉर्मेशन और एडिंग द स्टॉक ऑफ कैपिटल। अब आगे देखो जो GDP MP होता है, GDP एट मार्केट प्राइस, वो कैसे कन्वर्ट किया जाता है नेशनल इनकम में, ठीक है, कैसे GDP मार्केट प्राइस को हम नेशनल इनकम में कन्वर्ट करते हैं। तो जो GDP MP आया था GDP एट मार्केट प्राइस, उसमें से हम क्या माइनस करते हैं, डिप्रिसिएशन, ठीक है, तो क्या निकलता है, NDP निकलता है, ठीक है, NDP नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, उसमें से हम इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करते हैं तो हमारा निकलता है NDP एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, डोमेस्टिक इनकम। अब डोमेस्टिक इनकम के साथ हम नेट फैक्टर इनकम्स फ्रॉम एब्रॉड को ऐड करते हैं, विदेशी को ऐड करते हैं, तो हमारा क्या निकलता है, NNP एट फैक्टर कॉस्ट यानी नेशनल इनकम। क्लियर। ये मैंने पीछे भी बताया था दोनों मेथड में। अब इसके बाद क्या आता है, प्रिकॉशन रिगार्डिंग एक्सपेंडिचर मेथड, यानी एक्सपेंडिचर मेथड के तहत नेशनल इनकम कैलकुलेट करते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए उसके बारे में भी जानना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या दे रहे हैं, द फॉलोइंग प्रिकॉशंस आर टू बी टेकन वाइल यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड। तो नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा, ये रहा आपका नेक्स्ट पेज। सबसे पहले आता है
ओनली फाइनल एक्सपेंडिचर, यानी हम क्या इसमें ऐड करेंगे, केवल फाइनल एक्सपेंडिचर ही ऐड करेंगे। फाइनल एक्सपेंडिचर इज टू बी टेकन इनटू अकाउंट टू अवॉइड एरर ऑफ डबल काउंटिंग। फाइनल एक्सपेंडिचर इज टू बी इंटरप्रेट एज एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज मस्ट बी अवॉइडेड, यानी इसमें हम केवल फाइनल गुड्स के ही वैल्यू को ऐड करेंगे, ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स के वैल्यू को ऐड नहीं करेंगे। अब जैसे वीट है, तो वीट के वैल्यू को ऐड नहीं करना है। वीट का जो फाइनल एक्सपेंडिचर है, यानी जो लास्ट में बन करके तैयार हो रहा है, क्या बन करके तैयार हो रहा है, या तो ब्रेड बनेगा, नहीं तो केक बनेगा, नहीं तो बिस्किट बनेगा, ठीक है। तो इन सब पे जो भी खर्च होगा, जो भी कंज्यूमर इन सब को ख़रीदने के लिए पे करेगा, तो जो भी वैल्यू होगा वही वैल्यू हम इसमें ऐड करेंगे नेशनल इनकम निकालने के लिए, ठीक है। वीट का ऐड नहीं होगा, क्योंकि वीट क्या इंटरमीडिएट गुड्स है, उसको फाइनल कन्वर्ट करना भी बाकी है, ठीक है। इसके बाद आता है दूसरा, एक्सपेंडिचर ऑन सेकेंड हैंड गुड्स इज नॉट मस्ट बी इंक्लूडेड बिकॉज द वैल्यू ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स हैज़ ऑलरेडी बीन अकाउंटेड ड्यूरिंग द ईयर ऑफ देयर प्रोडक्शन। यानी जो सेकेंड हैंड गुड्स का वैल्यू होता है, एक्सपेंडिचर होता है, बहुत सारे लोग सेकेंड हैंड गुड्स परचेस करते हैं, खास करके इलेक्ट्रिक्स में, जैसे बाइक वगैरह हो गया, कार वगैरह हो गया, तो बहुत सारे लोग सेकेंड हैंड बाइक्स खरीदते हैं, कार खरीदते हैं, स्कूटी खरीदते हैं, तो उसका जो वैल्यू होगा वो ऐड नहीं होगा, क्योंकि उसका वैल्यू ऑलरेडी ऐड हो चुका है जब उसका प्रोडक्शन हुआ रहता है फर्स्ट टाइम, ठीक है। ये टॉपिक मैंने पहले भी बताया था। इसके बाद थर्ड नंबर, एक्सपेंडिचर ऑन शेयर्स एंड बॉन्ड्स। एक्सपेंडिचर ऑन शेयर्स एंड बॉन्ड्स इज नॉट बी इंक्लूडेड इन टू द इन टोटल एक्सपेंडिचर एज दीज आर मेयर पेपर क्लेम्स and are not related to the production of final goods and services. Such expenditures do not cause any value addition. यानी जो शेयर एंड बॉन्ड्स के परचेज के लिए खर्च किया जाता है उसका वैल्यू इसमें ऐड नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि वो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज नहीं होता है, ये फाइनल गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। इसलिए इसमें जो भी खर्च होता है वो इंक्लूड नहीं होता है नेशनल इनकम निकालने के लिए। इसके बाद है एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर पेमेंट्स बाय द गवर्नमेंट लाइक ओल्ड एज पेंशन स्कॉलरशिप इज नॉट टू बी इंक्लूडेड बिकॉज ट्रांसफर पेमेंट्स डू नॉट कॉज एनी वैल्यू ऑफ वैल्यू एडिशन इन द इकोनॉमी। यानी जो एक्सपेंडिचर होता है पेमेंट ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे ओल्ड एज या एक स्कॉलरशिप दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो ओल्ड एज पेंशन वगैरह, तो उसको भी इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता, ये भी मैं बता चुका हूँ, वो दोनों मेथड में भी इसकी चर्चा है, ठीक है। इसके बाद है इम्प्यूटेड वैल्यू, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स प्रोड्यूस्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन शुड बी टेकन इन टू अकाउंट एज दिज गुड्स आर रिफ्लेक्टेड इन द एस्टिमेशन ऑफ GDP। ऑल्सो इम्प्यूटेड रेंट ऑन ऑनर ऑक्यूपाइड हाउसेज शुड बी टेकन इन द अकाउंट। यानी जो भी एक्सपेंडिचर किया जाता है गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, सेल्फ कंजम्पशन के लिए ही क्यों ना हो, जैसे कोई कार कंपनी है तो कार बना रही है, अपने लिए ही कार क्यों नहीं बनाई, तो जो भी उस पर खर्च होगा वो भी इसमें इंक्लूड होगा। अगर कोई घर वगैरह है किसी का बनाया गया है, तो उसमें जो रेंट वगैरह होगा वो भी इंक्लूड होगा, ठीक है। तो ये सब वैल्यू इसमें ऐड होगा नेशनल इनकम निकालने के लिए। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है यहीं पे। इसके बाद एग्जांपल दिया है न्यूमेरिकल क्वेश्चन का, एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू कैसे हम GDP निकाल सकते हैं, नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। यहाँ पर देख लो, दिया है एग्जाम्पल, देखो क्या क्या दिया है यहाँ पर। एग्जाम्पल वन में सबसे पहले दिया है फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट द GDP एट बोथ। GDP निकालना है मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट दोनों का, ठीक है, GDP एट MP एंड GDP एट FC। तो यहाँ पे आइटम दे दिया, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कितना है 90 करोड़ है, नेट एक्सपोर्ट्स दिया है, इनडायरेक्ट टैक्स दिया है, डिप्रिसिएशन दिया है, फैक्टर इनकम दिया है अब्रॉड से, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया है, गवर्नमेंट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दिया है, सबका वैल्यू दे दिया है। अब इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, तो GDP एट मार्केट प्राइस निकालने के लिए ग्रॉस इन्वेस्टमेंट प्लस नेट एक्सपोर्ट्स प्लस प्राइवेट कंजम्पशन प्लस गवर्नमेंट परचेज, ये सबको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो प्लस करने के बाद क्या आएगा हमारा, जो निकलेगा आंसर वो GDP एट मार्केट प्राइस होगा, ठीक है। इसके बाद हमको GDP एट FC निकालना है, तो GDP FC के लिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस जब निकल गया, तो उसके थ्रू हम GDP एट FC निकालेंगे। तो GDP एट FC निकालने के लिए उसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्स को हम माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो माइनस करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा 545 करोड़ जो है, ये हमारा GDP एट FC निकला, यानी 545 करोड़, क्लियर। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है, चैप्टर 4। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।